नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको पता है जो शॉर्ट वीडियो की सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अपन आज नॉर्सेट स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो इसी के अंदर अपन आज मिटेड डोज इनहेलर, जो आप सबको पता है, जिसको अपन शॉर्ट में MDI के नाम से जानते हैं। MDI आप कॉमनली आपने बहुत घरों में भी देखा होगा और हॉस्पिटल सेटिंग में भी देखा होगा। इसका जो मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन होता है, कब MDI यूज़ किया जाता है, तो इंडिकेशन की बात करते हैं तो अपना क्या रहता है भाई, अस्थमेटिक अस्थमा जो रहता है ना, अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर पेशेंट लंबे टाइम तक क्या करता है, MDI को यूज करता है। मेट्रोडोज इनहेलर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या सही यूज करने का तरीका होता है, वो सारी बातें अपन डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है जब अस्थमा का जिक्र आता था, अपन वहाँ पर दो मेडिकेशन कॉमनली यूज करते हैं। अस्थमा एक इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, तो जिसके अंदर अपन एक तो क्या करते हैं, एक तो अपन ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं। क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं, और दूसरा अपन क्या करते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड यूज करते हैं भाई। ये दोनों ड्रग यूज की जाती है अपने MDI के माध्यम से। अब इन ड्रग को कैसे यूज करेंगे, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है भाई। सबसे पहले कि कैसे यूज करेंगे वो तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास में मेनली जो ड्रग यूज होगी वो ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगा। अगर आपको पहले ड्रग कौन सी देनी है, पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि MDI के माध्यम से दी जाने वाली ब्रोंकोडायलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर साथ दी जा रही है तो पहले कौन सी दोगे, तो हमेशा ब्रोंकोडायलेटर को क्या किया दिया जाता है भाई, फर्स्ट दिया जाता है, और इसके बाद में क्या किया जाता है, आपको स्टेरॉइड दिया जाता है सेकेंड। ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा करने के पीछे मेन वजह ये होती है कि ब्रोंकोडायलेटर क्या एक सिंपैथेटिक एक्शन रहता है और ब्रोंको को क्या कर देता है, डायलेट। और जब ब्रोंको को डायलेट करेगा और उसके बाद आप स्टेरॉइड लोगे, तो स्टेरॉइड क्या करोगा, आपकी बॉडी के मतलब आपके लंग्स के अंदर डीप तक क्या होगा, पहुंच पाएगा और उसका एक्शन अच्छे से वहां पर हो पाएगा। अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो ब्रोंको क्या होगा, स्टेरॉइड बीच में ही रुक जाएगा, उसका मैक्सिमल इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा पहले यूज क्या करोगे, ब्रोंकोडायलेटर, और उसके बाद क्या करोगे, स्टेरॉइड यूज करोगे। दूसरी बात होती है कि इनके बीच में गैप कितना रखना है, तो गैप की बात इंपॉर्टेंट ये है, गैप आप ड्यूरेशन कितना रखोगे, ऑफ गैप। अगर इफ देयर इज टू सेम मेडिकेशन, अगर दो सेम मेडिकेशन है तब आपको गैप रखना है 1 to 2 मिनट का। ये हर जगह अलग क्राइटेरिया है, आपको आई के केसेस में अंदर देखने अलग देखने को मिलेगा, आपको MDI के केस में अलग देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, क्लियर है, कंफ्यूज मत होइएगा। इफ देयर इज टू सेम मेडिकेशंस देन 1 to 2 मिनट आपको उसको क्या रखना है, गैप रखना है। उसके बाद में अगर कोई दो डिफरेंट मेडिकेशन है, इफ देयर इज टू डिफरेंट मेडिकेशन अगर दो डिफरेंट मेडिकेशन है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, दो डिफरेंट मेडिकेशन में तो गैप क्या रहेगा अपना, गैप विल बी 5 मिनट। कितना मिनट का गैप रखना है, 5 मिनट का। मैं MDI की बात कर रहा हूं, विशेष तौर पर ध्यान रखिए, मैं MDI की बात कर रहा हूँ, मिटेड डोज इनहेलर की बात कर रहा हूँ। उस कंडीशन के अंदर आपको गैप कितना रखना है, अगर सेम मेडिकेशन है तो 1 to 2 मिनट का गैप रखना है, और अगर डिफरेंट मेडिकेशन है तो आपको गैप कितना रखना है, 5 मिनट। याद रखिएगा, दूसरी चीज़ों के अंदर उसको जोड़ी का मत, अलग पूरा सीन है। अब आपने क्या करा, ये तो आपने ड्यूरेशन है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर आप स्टेरॉइड यूज कर रहे हो तो स्टेरॉइड को यूज करने के बाद हमेशा आपको क्या करना होता है, माउथ वॉश करना होता है, ऑलवेज रिंस माउथ आफ्टर यूज ऑफ स्टेरॉइड बाई MDI। अगर आपने MDI से स्टेरॉइड यूज करें तो आपको हमेशा क्या करना है, उसके बाद में माउथ को रिंस करना, मतलब वॉश करना है, मतलब ऊपर से नहीं धोना है, अंदर से धोना है ना। तो जब उसको वॉश करोगे, मतलब क्या, अगर स्टेरॉइड आपके ओरल कैविटी में रहा तो ये ओरल थ्रश कॉज कर सकता है ना, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है और इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल माहौल बनाता है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करता है, ये सारी वजह आपको इन्फेक्शन के लिए प्रोन बनाती है। इसलिए आपको माउथ को वॉश करना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, स्टेरॉइड इरिटेशन कॉज करता है, ये सारी बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ये तो इसकी बात होगी, ड्रग की बात। अब आपको कैसे इसको आपको यूज करना है, तो यूज करने के लिए सबसे बेसिक बात क्या है,
कि सबसे पहले पास में आपके एक पेशेंट होना चाहिए और पेशेंट के अलावा आपके पास में एम डी आई यूज अपना मिटर डोज इनहेलर होना चाहिए। जनरली जब अपन इसको होल्ड करते हैं तो अपन को किस तरह से होल्ड करना होता है, कैसे इस तरह से होल्ड करना होता है और आपको जस्ट इन फ्रंट ऑफ माउथ, जस्ट माउथ के सामने आपको इसको रखना होता है। अब उसके बाद में जो इसका दो पोर्ट होते हैं ना, जैसे हमारा एम डी आई होता है, एक तो होता है आपका ये कैप होता है, ये आपका माउथ पीस जो पोर्शन रहता है, और इसके साथ में अपन क्या कर रहे हैं कई बार स्पेसर यूज कर सकते हैं, और ये कई बार अपनों को विथ स्पेसर आपको देखने को मिल सकता है। स्पेसर क्या है आपको मैं अभी इमेज बता दूंगा क्या चीज़ होती है। अब ये जो माउथ पीस वाला है तो इस पोर्शन को अपने को क्या करना है, एकदम इस तरह से होल्ड रखना है, इस तरह से होल्ड करके आपको ओरल कैविटी के टीथ के बीच में लेके लिप्स के द्वारा इसको क्या कर देना है, सील कर देना है, पूरा कंप्लीट क्या कर देना है, सील कर देना है। और सील करने के बाद, अपने को ये सारा प्रोसेस करना होता है। इसको आपको माउथ ओरल कैविटी में लेने से पहले आपको पहले क्या करनी है, गहरी सांस ले लेनी है। क्या कर लेना है, पहले क्या कर लेना है आपको, डीप ब्रीथ लेना है। पूरा स्टेप बताता हूं मैं यूज करने के, स्टेप ऑफ एमडी। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, हमेशा वॉश हैंड तो करना ही होता है, कोई ड्रग आप ट्रीट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वॉश हैंड करना है। और हैंड वॉश करने के बाद में क्या करना है आपको, डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ लेने के बाद में आपको क्या करना है, एमडीआई को होल्ड रखना है। होल्ड, अब होल्ड रखने के लिए मैं आपको एक इमेज बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये नॉर्मल वाला है, ये जो है ये नॉर्मल है, और ये जो है विथ स्पेसर, इसका है स्पेसर। स्पेसर के रिगार्डिंग पिछले नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आया था, आपको मैं यहाँ बताऊंगा स्पेसर की क्या इंपॉर्टेंस है, आगे आपको इसके बारे में जिक्र जरूर किया जाएगा, लेकिन पहले अपन उसका स्टेप देखते हैं। तो ये तो नॉर्मल वाला सिंपल, और इसके अंदर विथ स्पेसर है, एमडी विदाउट स्पेसर है, और ये विथ स्पेसर है जो एक आपको स्पेस देता है। क्यों स्पेस की इंपॉर्टेंस है अपन आगे इसकी बात करेंगे, क्लियर है। ये तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा अपराइट पोजीशन में इन बिटवीन फिंगर को आपको थंब और फिंगर के बीच में इसको क्या करना होता है, होल्ड रखना होता है इन फ्रंट ऑफ माउथ, अपनी चेहरे के जस्ट सामने, ठीक है। अपने ओरल कैविटी के अंदर, टीथ के अंदर उसको अपने को होल्ड रखना है, और लिप्स को क्या कर देना है, सील कर देना है। उससे पहले आपको क्या करते हैं, अपन डीप ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं डीप ब्रीथ लेंगे, उसके बाद अपन एमडीआई को होल्ड करेंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन पप को प्रेस करेंगे। पप को प्रेस करा, पैर प्रेस करने के बाद, जैसे आपने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद में क्या होगा भाई, आपको पांच सेकंड के लिए कंटिन्यू इंस्पिरेशन फॉर 5 सेकंड। कितने सेकंड के लिए आपको लेना है इंस्पिरेशन, 5 सेकंड तक आपको इंस्पिरेशन रखना है, और उसके बाद में होल्ड फॉर 10 to 15 सेकंड आपको क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। उस सांस को आपको क्या रखना है, होल्ड रखना है, क्लियर है। और उसके बाद में क्या करना भाई आपको, उसके बाद में आपको रिलीज करना है। समझे कि नहीं समझे, आपको जैसे आपको होल्ड, पहले डीप ब्रीथ लेगो, फिर आप इसको होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद में आपने पप को प्रेस करोगे, फिर आप गहरी सांस लोगे, और उस सांस को कंटिन्यूसली कितने टाइम तक लोगे, 5 सेकंड तक, और लेने के बाद आप क्या कर दोगे, अपनी ब्रीथ को होल्ड करोगे कितने ड्यूरेशन के लिए, 10 to 15 सेकंड के लिए, ताकि वो मैक्सिमम आपके क्या लंग्स के अंदर चला जाए, और वहाँ पर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में रहे, क्लियर है। ये तो सारा इसका स्टेप हो गया। अब इसके अंदर आपने कौन सी मेडिकेशन है, अगर आपने ब्रोंकोडायलेटर है और सेसी टाइप की सेम मेडिकेशन आप यूज़ करोगे तो 1 to 2 मिनट के बाद में अपन को क्या, और आपको पप यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफरेंट है तो 5 मिनट का आपको वो ड्यूरेशन रखना होता है, हमेशा ये बात इंपॉर्टेंट रहती ही रहती है। अब एक सवाल ये बनता है कि भाई अगर ये स्पेसर की इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेसर क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्पेसर को क्यों यूज करते हैं, और स्पेसर यूज करने से क्या इफेक्टिवनेस आपकी है, ये सवाल पिछले अपने नॉर्सेट के अंदर था। अब इसमें यह था कि भाई अपन जनरली अगर इस ये जो एमडीआई है, अगर आपको इस तरह से होल्ड करें और इसके अंदर स्पेसर के लिए, मतलब जो आपको जनरली ये कंसेप्ट क्या होता है, ड्राई पाउडर आता है, जो भी मीटर डोज के अंदर ड्रग आती है जनरली ड्राई पाउडर फॉर्म आती है। अब उसका क्या होता है, एरोसोल जनरेट होते हैं उसका, जब आप एमडीआई के द्वारा अपन क्या करते हैं, एरोसोल जनरेट होता है, और एरोसोल जनरेट होते ही अपन क्या करते हैं, अपन इसको लंग्स के अंदर जाने देते हैं। पर अगर उसको एरोसोल जनरेट करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा तो ये सीधा एरोसोल जनरेट होते ही मैक्सिमम अमाउंट कहाँ जनरेट होगा, माउथ के अंदर चला जाएगा, और ये ओरल कैविटी के अंदर क्या हो जाएंगे, चिपक जाते हैं। तो इस वजह से लंग्स के अंदर जाने वाला अमाउंट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अगर ये स्पेसर आप यूज़ करोगे तो आप जैसे ही आपको पप करोगे और यहाँ पर आपका एरोसोल जनरेट होगा, और एरोसोल जनरेट के बाद आप गहरी सांस लोगों के सांस के साथ सीधा क्या आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो इसकी एमडीए की इफेक्टिवनेस को अप टू 70% तक बढ़ा देता है,
अप टू 70% तक इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। कौन? आपका मिटर्ड डोज इनहेलर। मिटर्ड डोज इनहेलर है जो आपके किसकी, जो आपके एमडीए की इफेक्टिवनेस को 70% तक इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि इस पर सर आपको स्पेस दे देता है एरोसोल जनरेट को, और उसके साथ अपन गहरी सांस लेते हैं तो ये सारे के सारे अपने एरोसोल्स एकदम फ्लो के साथ में कहाँ चले जाते हैं, लंग्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, किसके रिगार्डिंग, एमडीआई के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन मददगार होगा और आपको ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन।